और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता को लेकर कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। सब पार्टियों को मिल करके पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें। हम लोग सब एक साथ में हैं, हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, ऑल आर टुगेदर देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ। इसके बाद नीतीश और तेजस्वी यादव ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। सूडान में आर्मी और पैरा मिलिट्री के बीच जारी लड़ाई का आज 11वां दिन है। यहां फंसे करीब 4000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि करीब 500 नागरिकों को पोर्ट सूडान लाया जा चुका है। हमारे शिप और मिलिट्री एयरक्राफ्ट उन्हें घर लाने के लिए तैयार है। फ्रांस ने सूडान से 28 देशों के 388 नागरिकों को रेस्क्यू किया है, जिसमें भारतीय भी शामिल है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर विनेश फोगाट समेत 8 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जनवरी में महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन FIR नहीं होने की वजह से पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरना शुरू कर दिया है। उधर खेल मंत्रालय ने 7 मई को होने वाले कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। गैंगस्टर अतीक अहमद के प्रयागराज दफ्तर में खून के ताजे धब्बे मिले हैं। ये धब्बे सीढ़ियों, कमरे और किचन में मिले हैं। इसके अलावा एक चाकू भी मिला है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने 21 मार्च को यहां तलाशी ली थी, जिसमें 74 लाख रुपए कैश और 10 पिस्टल मिले थे। पंजाब के रोपड़ में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। एक सिख युवक जूते पहनकर गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और पार्टियों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने गुरु ग्रंथ साहिब का भी अपमान किया। यहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। उसने